दिखाएगी वही होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूट्यूब बुलेटिन लाइव, जो आपको रखी सबसे आगे सच के साथ। मिर्जापुर पुलिस ने खनन माफिया हाजी इकबाल के गुर्गे को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार एवं एक बाइक की बरामद। सहारनपुर निवासी अमित जैन पर किया था कातिलाना हमला। बेहद से विशेष संवाददाता अरविंद गोयल की रिपोर्ट। बेहद 17 दिसंबर कोतवाली मिर्जापुर प्रभारी पीयूष दीक्षित की टीम को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने बादशाहीबाग से हत्या के प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार व बाइक भी बरामद हुई है। मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी पीयूष दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया है कि शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे सहारनपुर निवासी अमित जैन बादशाहीबाग से वापस सहारनपुर लौट रहे थे, तभी कासमपुर रोड पर हाजी इकबाल के गुर्गे महबूब निवासी मिर्जापुर ने अमित जैन पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया था, जिसमें गोली कार का शीशा चीरती हुई पीड़ित अमित जैन के हाथ को छूकर निकल गई थी, जिसके संबंध में आरोपी महबूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसे मिर्जापुर पुलिस ने मात्र 12 घंटे में बादशाहीबाग से धर दबोचा है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार व बाइक भी बरामद की है। थाना प्रभारी मिर्जापुर पीयूष दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी महबूब ने कबूल किया है कि उसने अमित जैन पर खनन कारोबारी हाजी इकबाल व उसके बेटों के कहने पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई है। बता दें कि खनन कारोबारी कई मामलों में फरार चल रहा है, वहीं हाजी के चारों बेटों को पुलिस सलाखों के पीछे भेज चुकी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जेल। रुकेगी कहाँ से? जानकारी प्राप्त हुई है खनन माफिया